जेई मेंस और नीट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चा लोग। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसे देखते ही आप विद इन अ सेकंड इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस वेज के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक जैसे ही नीचे आता है जाहिर सी बात है ये ब्लॉक थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा, स्लाइडिंग ब्लॉक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ ये हमारा सवाल है। यहाँ पर 3 मीटर दे रखा है, ये 5 kg है, ये 2 kg है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है M1x1 / M1 + M2। M1 वो ब्लॉक है जिसकी वजह से स्लाइडिंग हुआ, इस ब्लॉक की वजह से हुआ ना, ये नीचे आएगा तभी तो यहाँ जाएगा। तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 kg। अब देखिए ध्यान से कि ये अगर यहाँ से स्लाइड होकर के यहाँ आता है तो टोटली कितना डिस्प्लेस हो गया, हॉरिजॉन्टली 3। तो 2 × 3 = 6/5 + 2 = 7, यानी आपका आंसर हो गया 6/7। आपके पास जो नॉर्मल मेथड M1 R1 = M2 R2 से भी करके देखिए सेम आंसर आएगा, लेकिन ये बहुत फास्ट आपको आंसर देता है। मजा आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये 10 kg, ये 4 मीटर, ये आपका 2 kg है। अब बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए। मजा आया तो शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।